हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की शुरुआत हो रही है भाभी के घर से। भाभी बना रही है पराठे आलू के और हम यहाँ खा रहे हैं। आप भी आ जाइए, अब्बू खा लो, सब हेलो कर दो। हेलो। दोनों के पास चलो चलेगी। तो आज हो रही है पराठा पार्टी, कल हो रही थी पॉपकॉर्न पार्टी। भाभी के घर हम रोज टपक जाते हैं खाना खाने के लिए। कल भी टपक गए थे, आज भी टपक गए। हेलो भाभी, हेलो कर दो। तो मैं आ गई हूँ भाभी के यहाँ से। आजकल मेरी इतनी सेवा हो रही है ना, कभी कोई ले जाता कभी कोई ले जाता, खाना खिलाने के लिए मोटी हो गई मैं यहाँ पे आके। चलो कोई नहीं, ये तो थी मजाक वाली बात। बहुत सेवा करते हैं सब लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी ने बुलाया, काफ़ी समझा, सेवा की, प्यार दिया, बहुत अच्छी हैं वो भाभी नेचर वाइज। और आज वैसे हम जाने वाले थे फरीदाबाद लेकिन गई नहीं, मोटर ख़राब हो गई थी इस वजह से जाना पड़ता, लेकिन अब मोटर ठीक हो गई है तो अब टेंशन नहीं है। एक दो दिन और पड़ी हूँ, उसके बाद देखते हैं, मेहमान दो चार दिन के ही अच्छे लगते हैं। और आज मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ यार। वैसे अब काफ़ी देर होगी भाभी के यहाँ से पराठे खाए हुए, अब मुझे भूख भी लग रही है। चलते हैं नीचे, देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया और खाते हैं कुछ। चलें आइए आप भी। क्या बनाया है आज? आलू मटर। चावल का मन था वैसे, हाँ मटर डाल के गरम कर लेते हैं। ये है व्लॉगर, खुद व्लॉग बनाता है लेकिन शर्माता बहुत है। अब तो शकल दिखाई दी है तूने, अब क्या शर्मा रहा है? आगे लाइट ना आई? अरे लाइट को क्या हुआ यार? अरे लाइट का हुआ मेरे को क्या बता? हर जगह बजा रजाई ले लपेटे डोलता है तू। गई तो गई, क्या हो गया जोनी? मम्मी यहाँ तिलकुट खा रही। मम्मी तिलकुट खिला दे ऐसे, खाइए सब लोग। यहाँ देखो इसको ज्यादा ही हंसी आ रही है। वो दोनों मम्मी तिलकुट खिला रही है तो इसको हंसी आ रही है। दिन भर हंसता रहता है पता नहीं क्या। तो यहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ है मैंने, उसके बाद रोटी सेक लेती हूँ। अभी हम ऊपर आए हैं, अब भूख लग रही है फिर से तो खाएंगे। शॉप से आए हैं अभी, धूप तो निकली थी लेकिन कोई मजा नहीं आया बिल्कुल भी, गर्माहट नहीं थी धूप में ना, एकदम सुन्न वाली हवा चल रही है जैसे कहीं पे ना बर्फ पड़ी हो। बाबू बाबू बब्बू डार्लिंग, बब्बू कौन करेगा हेलो? हेलो कौन करेगा? किसी कौन करेगा? किसी तेज कर, छुट्टक मुट्टक सी। मैंने कुछ स्टार्ट कर लेती हूँ कैमरा ना, से तो कुछ डाल ही देती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आज मैं क्या डालूँ। नया
कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना ठीक है। किसने एक रोटी खाई है? पराठे खाए हैं इन्होंने आलू के भाभी के यहाँ पे। चलिए खाइए, ये लो दोस्तों बहुत टेस्टी सब्जी बना दी मम्मी। खा ले खा ले टुकड़ा पराठा खा लेगा भाभी के। इसका तो हो गया बब्बू, आ तो देनी है तू कैमरे में। क्या हुआ? यहाँ चल रही है हमारी गपशप खाना खाते हुए, देखिए। हेलो करो सारे। क्यों नहीं कर रही तू? वो दिख रहा ना? क्या है? ऐसे मारते रही। नो बता रही। ये देख ये घर है ये। वहाँ मम्मी को एक्चुअली में कम दिखता है, एक्चुअली में मम्मी को तो कम दिखता है ये, लेकिन स्वेटर भी बुनती है कम दिखने में। सिलाई भी करती हूँ। काम सारे करती है चाहे कम दिखे। हम हैंड रूम ये टैलेंट है मम्मी का। यहाँ बैठ, यहाँ बात कर। काम तो कौन नहीं करेगा, कौन करेगा? उधर काम है। क्यों कर रही है? कंबल कंबल कंबल। बेटी सासुरे चले गई, अरुण की शादी नहीं है। अरुण की शादी कर ले, वो करने को राजी नहीं है। बहू आ जाएगी काम करने के लिए। क्यों दोस्तों? वो तो दिखा नहीं रहे। अगर आप लोगों की नजर में दो लड़कियां हो तो दोनों भाइयों के साथ में शादी करेंगे, बता देना। गुन्नू की भी और अरुण की भी। गुन्नू जो छोटा वाला है ना, उसका नाम तो एक्चुअली में गुन्नू नहीं, योगेश है। बोलते हम गुन्नू है। कोई नहीं देखेगा फिर। और एक्चुअली में हम देसी हैं तो रोटी हाथ पे रख के खाते हैं। ये वाला जो स्वेटर मैं कल लाई थी 100 रुपए का, एक्चुअली में मम्मी ने दिलाया था ये। एक्चुअली बहुत ही मस्त है, 100 रुपए में आता ही क्या है यार। 100 रुपए के हिसाब से ना बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। जब जान देगा एक्चुअली में ना हमारे यहाँ बुद्ध बाजार में ना सेल लगती है, तो वहाँ पे 100 रुपए में ना एक से एक स्वेटर ले लो आप। अब मैं सीख तो कोई डिजाइन, आंखें खराब हो गई, हम स्वेटर स्वेटर बुनना बंद कर। चाहे आंखें खराब हो जाए, किसी की नहीं सुनती, लगी रहती है अपने सिलाई बुनाई करने में। ऐसी माँ मिलेंगी किसी को? सुनिए प्लाजो वाला, एक्चुअली मैंने ये लड़का अगले जन्म में ना लड़की होगा, इसीलिए इसको बहुत शर्म आती है। तो आपने इसके लिए लड़की मत ढूंढना, लड़का ढूंढना शादी करने के लिए। इसको दुल्हन बना देंगे, उसको दूल्हा बना देंगे। ओके मम्मी ओके। तो मम्मी के दांतों में दर्द रहता है, इस वजह से ना मम्मी जो कुछ भी खाती है ना, जो कुछ भी, उसके बाद मंजन करती है। कुछ भी इतना सा खा लेना तो मंजन करती है। पता कौन सा मंजन? गुल मंजन। तो वो उसमें ना थोड़ा सा नशा होता है, तो कीड़ों को ना नशा हो जाता है, तो मम्मी को आराम पड़ता बहुत ज्यादा। दोस्तों हम तो जा रहे हैं बाजार गोलगप्पे खाने, थोड़े दिन के बाद। ये आंटी बैठी है हमारी। तो दोस्तों एंट्री हो चुकी है बाजार में।
पहले खा ले, उससे खाएंगे पहले सब्जी ले ले। मम्मी को दिखाई नहीं पाती। आप चले गए जब देख लेना, जब जाएंगे ना। वो तो ना वो है जो खड़ा नहीं करता ऐसे स्टैंड वाला, कोरोना की मार्केट में मास्क भी नहीं लगाया, भूल गई। किसी ने भी नहीं लगा रखा हमारे, तो मम्मी ने ले लिए मटर। तो लड़के कह रहे हो भैया ब्लॉग ब्लॉग बन ले। कोरोना की वजह से छोटी है, वरना पहले बहुत बड़ी लगती थी। और क्या लेना पकड़ी उनको? तो सब्जी तो कुछ समझ में नहीं आई, बहुत महंगी सब्जी है इसलिए हमने सिर्फ लिया है लस्सी, खांसी में काम आया, और मटर लिए बस। यहाँ मम्मी ले रही है अमरूद और भाभी ले रही है। क्या भयंकर अमरूद है। यहाँ हम ले रहे चाउमीन, उसके बाद मिलते घर पे। तो दोस्तों आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और थक गई मैं बाजार से आई हूँ ना, और इसी तरह के चटपटे मसालेदार व्लॉग आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। और क्या बोलूं, थक गई हूँ, अगर धक धक हो रही है ना, जीना चढ़ के आई। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।